गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड हैज़ कम्प्लीटेड लेसन नंबर 16. टूडे नी स्टार्ट द न्यू चैप्टर लेसन नंबर 15, सर्क्यूफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया. सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कल फॉर द न्यू चैप्टर फॉर 10th क्लास. सर्कल लास्ट में 9th क्लास में आपने क्या करा था, एरिया का पेरीमीटर एंड स्क्वायर किए थे. स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब न्यू इज द शेप ऑफ द सर्कल. 16 चैप्टर में अपने ने किया था एरिया, सर्कुफेरेंस ऑफ CSA यानी क्यूबॉइड का था, कौन का था, स्पीयर्स का था. एंड टुडे वी स्टार्ट द लेसन नंबर 15, सर्क्यूफेरेंस ऑफ ए सर्कल. सर्क्यूफेरेंस सर्कल, फर्स्ट देयर आर द सर्कल इज द मिडल फॉर्म इज द सेंटर. बीच का जो होता है वो क्या होता है, उसका सेंटर. सेंटर को आप किससे शो करते हो, ओ से. किससे शो करोगे, ओ मतलब देयर आर द सी. ठीक है, आपको सी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसका सेंटर ऑफ ओ. सेंटर से लेके जो सर्कल की, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ये क्या हुआ, सर्कल की क्या हुई, बाउंड्री. सर्कल के सेंटर एंड बाउंड्री द टच ऑफ द लाइन एंड सेगमेंट इज कॉल्ड द रेडियस. ये क्या होगी, उसकी रेडियस. फर्स्ट आई एक्सप्लेन द चैप्टर देन आई स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट रेडियस, दिस इज द बाउंड्री. अब उसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है. एरिया ऑफ ये, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. सर्कल निकालना है तो उसका कौन सा पोर्शन निकालना है आपको, मिडल फॉर्म. यानी इसके बीच वाला जो पोर्शन निकालना है तो वो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल. क्या बनेगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल. और सिर्फ इसकी अपने मुझे बाउंड्री फाइंड करनी है. बाउंड्री फाइंड करनी है मतलब दिस पोर्शन जो मैंने ग्रीन फॉन्ट से किया है, ये क्या हो जाएगा उसका सर्क्यूफेरेंस. क्या हो जाएगा, सर्क्यूफेरेंस या पेरीमीटर. या तो सर्क्यूफेरेंस को या पेरीमीटर. पेरीमीटर जैसे अपने रेक्टेंगल का निकाला था, रेक्टेंगल में क्या निकाली थी अपने ने, इसकी सिर्फ बाउंड्री काउंट करते थे अपने, मेजर करते थे. स्क्वायर में भी बाउंड्री काउंट करते थे तो वो क्या होता था, पेरीमीटर. सेम थिंग सर्कल की, अगर जो मुझे बाउंड्री का अगर मेजर लेना है तो वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल. तो सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है. तो कंफ्यूज मत होना कि सर्क्यूफेरेंस क्या होता है, सर्क्यूफेरेंस सेंटर बोलो या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. लेकिन आपको इसको क्या बोलना है, सर्क्यूफेरेंस सर्कल ही बोलना है. आपकी बुक्स में सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है तो सर्क्यूफेरेंस सर्कल. अब नाउ इज द फॉर्मूला, द सर्क्यूफेरेंस सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्क्यूफेरेंस सर्कल का क्या होगा, इसका होगा 2πr. क्या हो जाएगा, 2πr. और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² जो मैंने 16 चैप्टर में कराया था आपका. सर्क्यूफेरेंस ऑफ पेरीमीटर यानी 2πr और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr². नाउ नम आर एंड डी, डायमीटर इज नो दैट डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 रेडियस. और r इक्वल टू क्या आएगा, d/2 यानी रेडियस का डायमीटर का हाफ. यू नो दैट. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. The radius of circle is a 3.5 centimeter. Find the circumference and area. Radius equal to 3.5. Question number first. Exercise 15.1. Question number first. Radius आपको कितनी दी हुई है? Radius equal to 3.5. Find the circumference and area. Circumference of circle. Circumference of circle. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr. 2π की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 22/7. एंड r की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3.5. नाउ 2 × 22/7 35 है, तो 30 पॉइंट्स नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा, 35/10. 2 से 10 कितना, हाउ मच टाइम, 5 टाइम. 5 से 17 7 टाइम, 7 से 7 कट. तो आंसर क्या आया, 22. अब यह 3.5 आपका किस में,
सेंटीमीटर में है तो इसका सर्क्यूफेरेंस भी क्या होगा, हमेशा सेंटीमीटर में आएगा। मीटर या तो मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, पर स्क्वायर नहीं आएगा कि मैंने बताया था पेरीमीटर हो तो हमेशा सिंगल यूनिट आती है, एरिया हो है तो यूनिट का स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम है तो यूनिट का क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ लिखो या सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इज द पेरीमीटर, तो कौन सी यूनिट आएगी, सिंगल यूनिट यानी सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई की प्लेस पे क्या लिखा है 22/7, एंड आर की प्लेस पे क्या है 3.5 का स्क्वायर, देन 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10। नाउ 7 से ये 35 को कट करोगे कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम, 5 से कट हुआ 2 टाइम, 2 से 12, तो 11 × 35/10 इसका मल्टीप्लाई करोगे देन इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, वापस पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, पाई की प्लेस पे क्या आएगा 3.5 का स्क्वायर, 3.5 यानी पॉइंट्स को हटाओगे तो कितना है 10, 7 से 35 5 टाइम, 5 से 10 कटा हुआ 2 टाइम्स, 2 से 12 11 टाइम, अब क्या बचा है 11 मल्टीप्लाई 35/10, इसका मल्टीप्लाई करो और फिर पॉइंट्स लगाओ देन यू गेट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सर्क्यूफेरेंस ऑफ 44, द फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्क्यूफेरेंस ऑफ 44, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सर्क्यूफेरेंस दिया हुआ है, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44, देन फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 44, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 44, 2 पाई की प्लेस पे 22/7, r की प्लेस पे क्या हो जाएगा, r आपको पता नहीं है, r आपको यू कैन फाइंड 44, तो r इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 × 22, देन 2 × 22, 22 × 2 = 44 इज द कट, तो r इक्वल टू क्या हुआ आपका 7, और क्या हुआ 7, अब फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, देन 17 से 17 कट हुआ तो क्या हुआ 22 × 7 इक्वल टू 154। अब याद देखो 44 किसके अंदर आपका मीटर्स में, तो रेडियस भी क्या आई मीटर में, एरिया क्या आएगा मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना, अगर यूनिट लिखना भूल गए तो सेंटीमीटर एग्जाम में आपका हाफ मार्क्स यूनिट की वजह से कट हो जाएगा, तो कुछ भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी यूनिट है वहाँ पर यूनिट लिखने, चाहे 50 एरिया वाले चैप्टर है, 16 चैप्टर था उसमें मैंने ये कराया था कि जहाँ पर यूनिट है वहाँ पर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। इफ़ यू नॉट राइट द यूनिट देन गेट द हाफ, यू लॉस द हाफ मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल शेप ऑफ द प्लॉट द 21 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, ये क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक है, उसमें आएगा फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आपके करेक्शन कर लेना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो ये बुक्स है उस बुक में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रिंट मिस्टेक है कि अगर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दिया है तो उसका सेमी सर्कल का ही आपको क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर। यू नो दैट सेमी सर्कल, जहाँ पर भी सेमी वर्ड्स था तो मैंने क्या कहता था सेमी यानी हाफ, जैसे स्पीयर था, स्पीयर का आपने हेमी स्पीयर
किया था, स्पीयर को क्या किया था मैंने, हाफ कट किया था। उसी तरह से सर्कल का सेमी स्पीयर, तो सर्कल का सेमी स्पीयर यानी सर्कल का हाफ कौन सा सेप बनेगा आपका, दिस सेप। सर्कल का सेप यानी हाफ सर्कल हुआ, उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, दिस इज द रेडियस, इज द मतलब दिस साइड इज द 21, राइट। रेडियस कितना दिया हुआ आपको, 21 मीटर। तो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, लुक हियर। अब एरिया ऑफ सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल यानी उसको मैंने हाफ मीटर से कट कर दिया, तो एरिया का भी क्या हो जाएगा, कट। सपोज अगर एरिया 10 है तो हाफ हाफ सर्कल का कितना होगा, 5 होगा, यानी क्या किया आपने, 2 से डिवाइड। सेम थिंग एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या बना, 1/2 पाई आर स्क्वायर, देन पुट द वैल्यू 1/2, पाई की जगह 22/7 एंड आर की प्लेस पे 21 का स्क्वायर। रेडियस कितनी दी आपको, 21। नाउ 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 × 21, 7 से 21 का हाउ मच टाइम, 1/2 है, 2 से 11, तो ये क्या हुआ, 33 × 21, इसका मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 = 3 × 3 = 16 169 3 cm 16 169 meter square. नाउ अब उसमें क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल का क्या बताया था मैंने, 2πr। एरिया ऑफ सर्कल का क्या बताया था, 2πr। पेरीमीटर निकालोगे यानी उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी 2π से कट हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कट गया, पाई आर। बट इतना ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 टाइम्स आया हुआ है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ गया, 1 मार्क्स के अंदर आपका, कि पाई आर प्लस, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। कैसे होगा 2r, लुक ही। अब आपने सेमी सर्कल निकाला है, सेमी सर्कल का यानी सर्कम का हाफ क्या, यानी पाई आर आ गया। लेकिन बट मैंने क्या बताया था कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री होती है, किसकी होती है, जो भी आपकी शेप दी होती है उसकी बाउंड्री। तो ये इसकी बाउंड्री है, साथ में ये भी तो इसकी बाउंड्री आएगी, ये ऊपर वाला भी कट होगा, तो ये इसकी बाउंड्री आ गई। तो ये कितना आपका 2r, ये हाफ और ये 1r एंड 2r, यानी डायमीटर हुआ, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 2r। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2r। आप बोर्ड में टेंशन में सिर्फ पाई आर लिख के आ जाते हो, 2r ऐड नहीं करते, तो वो आपका आंसर वहाँ पर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, एरिया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में हमेशा एरिया का जो सेमी सर्कल है उसका हाफ करोगे, सर्किफेंस ऑफ सर्कल का हाफ करोगे, प्लस क्या करोगे 2r, देन इसमें से r मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हुआ, पाई प्लस 2। अगर इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू, r की जगह 22, पाई की जगह 22/7 प्लस 2, देन इसको सॉल्व करोगे, 22 प्लस 14/7। नाउ 7 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या हुआ, 3 × 6 = 36, इसका मल्टीप्लाई करो, 18 कैरी 108 मीटर, क्या आएगा, मीटर, 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी पाई आर प्लस 2r। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में मिस्टेक था तो करेक्शन कर लेना, वहाँ पे रेडियस ऑफ व्हील नहीं है, फाइंड द एरिया एंड सेमी एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
Question number 4. A wheel covers the distance 88 meter in 100 rotations. The find the radius of wheel. एक wheel है वो 100 rotation कर रहा है, मतलब ये wheel है इसको मैंने 100 times rotation किया है तो वो उसने कितना cover किया, 88. Suppose wheel है वो 100 times round ले रहा है, कितने times ले रहा है, 100 rounds, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 88 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो आपको क्या निकालना है, उसका रेडियस, व्हील की रेडियस निकालनी है. तो व्हील की रेडियस निकालने के लिए पहले आप क्या निकालोगे, सर्क्यूमफेरेंस. सर्क्यूमफेरेंस किसका निकालोगे, व्हील का. अब व्हील का सर्क्यूमफेरेंस कैसे निकालोगे, लुक ये, जहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में भी था कि एक ही चीज़ अगर 100 रेवोल्यूशन कर रही है और वो डिस्टेंस कितना निकाल रही है, 88, मतलब एक साइकिल है वो साइकिल 100 किलोमीटर, मतलब 100 राउंड ले रही है साइकिल का व्हील और वो कवर कर रहा है 88 मीटर. तो उसको आप किस में करोगे, पहले सेंटीमीटर उसमें सर्क्यूफेरेंस निकालोगे. तो सर्क्यूफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल, पहले क्या दिया है वो लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल टू कितना दिया है, 100. कवर डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4, कवर डिस्टेंस कितना दिया आपको, 88 मीटर. अब इसमें क्या निकालना है, आपको सर्क्यूफेरेंस निकालोगे एंड रेडियस निकालनी, मैंने तो आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस के आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. तो वन रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन रोटेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 अपॉन 100, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब कितना डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस में कितना निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब यहाँ पे मीटर में इसको आप क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर जल्दी निकलेगा, अगर मीटर में करोगे तो भी आंसर राइट निकल, मीटर हो जाएगा तो ये क्या आएगा, 0.88 मीटर, राइट. अब उसमें आंसर में ये नहीं दिया है कि आपको सेंटीमीटर में निकालना है कि मीटर में निकालना है, तो आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो, मीटर में भी निकाल सकते हो, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो. तो वन रोटेशन, यानी वन रोटेशन ये हुआ तो ये उसका क्या हुआ, सर्क्यूमफेरेंस. क्या बना, सर्क्यूमफेरेंस. अब सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, व्हील. क्या लिखोगे, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2πr. 2πr मीन्स 222/7. पाई की प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई के 22 और आर की प्लेस पे 0.88, राइट. अब 22 नहीं, आर तो निकालना है, सॉरी, आर फाइंड करना है, इंटू आर इक्वल टू 0.88. अब लुक हियर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.88 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 × 22. कट करो, 0.04, कट करोगे 0.02, यानी कितने टाइम्स, अगर 44 को ऐसे कट करोगे तो 0.2. अब आर का इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या जाएगा, 0.14 मीटर. अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर. ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है दोनों. अगर सेंटीमीटर में करो तो सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या आएगा, 100 से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 88 आ जाएगा. 88 करोगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा 42 और यहाँ पे 14 सेंटीमीटर. अगर मीटर में करोगे तो 0.14 मीटर. नाउ सर में आ गया होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशन यानी 100, कवर ऑफ डिस्टेंस 88, रेडियस 7 एंड वन रोटेशन का, पहले वन रोटेशन निकालोगे वो निकलेगा आपका सर्क्यूफेरेंस. सर्क्यूफेरेंस से आपको क्या निकालोगा, उसका रेडियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th. द एरिया ऑफ सर्कल इज द 154, द फाइंड द सर्क्यूफेरेंस. अब एरिया दिया है और क्या निकालना है, सर्क्यूफेरेंस निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर. देन फाइंड क्या निकालना है, सर्क्यूफेरेंस. सर्क्यूफेरेंस निकालना है तो पहले क्या निकालोगे, रेडियस.
The area of circle equal to 154. Area of circle yani pi r square equal to 154. 22 upon 7 multiplied by r square equal to 154. Then r square equal to 154 multiply by 7 upon 22. 22 से 154 कट हुआ 7 टाइम. r square equal to 49. तो r equal to क्या हुआ 7 मीटर. 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7. अब क्या निकालना है सर्क्यूफेरेंस. सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला यू नो दैट. सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई r 2 इंटू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 से 7 कट यानी 44 मीटर. आंसर क्या आया 44 मीटर. अंडरस्टूड. तो टुडे वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 5. रेस्ट ऑफ क्वेश्चन 6 to 10 इज द नेक्स्ट पीरियड. तो टुडे इज योर होमवर्क. सॉल्व द एक्सरसाइज 15.1. सॉल्व एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1 to 5. एंड वन थिंग कि आपको बुक्स में जो एग्जांपल है वो भी आपको सॉल्व करने हैं. फेयर नोटबुक में मत करो, लेकिन एज अ प्रैक्टिस के लिए आप एक नई नोटबुक बनाओ, उसमें आप एग्जांपल सॉल्व करो. और जो एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझे बताएं कि मैम ये मुझे एग्जांपल समझ में नहीं आया, तो मैं एक्सप्लेन इट. क्योंकि एक बोर्ड के एग्जाम में 30% आपके एग्जाम्पल आते हैं. 80 मार्क्स के पेपर्स में कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20-25 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से देने. तो आपको सारे चैप्टर्स है उस सारे चैप्टर के एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है. तो जो एग्जाम्पल आपको करना है वो सारे एग्जाम्पल आप एक नोटबुक में करोगे. और जो एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मुझे बताना, मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. तो टुडे इज़ योर होमवर्क 15.1 क्वेश्चन 1 to 5. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.